आज हम बात करेंगे एक सिंपल येट बेसिक स्किन केयर रूटीन के बारे में जो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को फॉलो करनी चाहिए फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। चाहे आपका स्किन टाइप कोई भी हो, वेदर इट बी ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, मिक्सचर और टिपिकल इंडियन एंसर, भैया स्किन टाइप का पता ही नहीं है। सो जोक्स अपार्ट, चाहे आपकी स्किन टाइप कोई सी भी हो, हम सबको एक स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी स्किन लॉन्ग टर्म में हेल्दी एंड वाइब्रेंट बनी रहे। नाउ अगर आप इस सिंपल स्किन केयर रूटीन को रेगुलरली फॉलो करेंगे एवरी सिंगल डे, तब यू विल नेवर फेस स्किन प्रॉब्लम्स सच एज ब्लेमिशेस, स्किन इरिटेशन, एक्ने, पिंपल एंड ब्लैक हेड्स। ऑल सच स्किन प्रॉब्लम्स विल स्टे अवे फ्रॉम यू। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आपको इन टिप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना होगा। सो इन दिस वीडियो वी विल कम टू नो अबाउट 4 की टिप्स दैट कंबाइनली फॉर्म्स आवर मैजिकल स्किन केयर रूटीन दैट विल रिजुविनेट आवर स्किन सेल्स। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर दो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड रियल एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट दिस मंथ हमारे चैनल पे हो रहा है 10 पैक्स ऑफ BCAA का गिव अवे, जो मिलेगा हमारे 10 लकी सब्सक्राइबर्स को, और जिसमें से 4 विनर्स के नेम ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। अब 5th एंड 6th नंबर के विनर हैं इंद्रजीत राव एंड शुभम 01। अगर आप भी चाहते हैं इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना, तो इस वीडियो के अंदर सब्सक्राइब कर लो और कॉमेंट करिए एनी 2 एमिनोज प्रेजेंट इन BCAA। स्किन रूटीन का हमारा फर्स्ट स्टेप आता है फेस वॉश। Have you ever noticed the pre and post look of your face after washing it only with water? Don't you feel very calm and relaxed? That is because जब हम हमारे चेहरे को अच्छे से धोते हैं, तब हमारे स्किन के ऊपर जितना भी डस्ट एंड बैक्टीरिया होता है वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, thus leaving our skin pores open। और ये स्किन पोर्स ही होते हैं जिसकी हेल्प से हमारी स्किन ब्रीथ करती है, यानी सांस लेती है, और हमारी स्किन के अंदर एक नई जान और ग्लो आ जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स तो थे खाली पानी से धोने के, बट हमारे रूटीन के अंदर हम यूज करेंगे एक अच्छा फेस वॉश, जिससे हमारे स्किन के ऊपर जितना भी डर्ट है, पोल्यूशन है एंड इवन बैक्टीरियाज जो एक्ने क्रिएट करते हैं, वो सारे एक साथ साफ हो जाए और हमारी स्किन एकदम प्योर वाइट हो जाए। सो हियर कम्स द क्वेश्चन कि हमें फेस वॉश करना कब है और कितनी बार करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूटीन फॉर मैक्सिमम बेनिफिट हमें दिन में कम से कम 2 बार तो अपने फेस को वॉश करना ही है। फर्स्ट नहाने या फिर शेविंग करने के बाद, बिकॉज शेविंग करने और नहाने के बाद हमारे चेहरे के जितने भी पोर्स होते हैं वो सारे 50% ओपन हो जाते हैं। सो उसके तुरंत बाद जैसे हम लोग फेशियल करेंगे तो वो सारे पोर्स अच्छे से ओपन हो जाएंगे, दस लेटिंग एस स्किन टू ब्रीद एंड बिकम ग्लोइंग। एंड हमें सेकेंड फेस वॉश करना है जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, जिससे दिन भर का जितना भी डस्ट एंड बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर सर्वाइव कर रखे होंगे, चिपके हुए होंगे, वो सारे अच्छे से हो जाए, दस लीविंग अस विद हेल्दी एंड क्लीन स्किन। इन केस आप मेरी तरह बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हो या फिर जिम करते हो या वर्कआउट करते हो, तो हमारे बहुत सारा पसीना निकलता है जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है। सो इन दैट केस भी हमें वर्कआउट के ठीक बाद अपने फेस को फेस वॉश करना है, जिससे हमारे स्किन के ऊपर का एक्स्ट्रा ऑयल एंड स्वेट अच्छे से साफ हो जाए। वॉशिंग आवर फेस फ्रीक्वेंटली, सो डोंट यूज एनी काइंड ऑफ सोप, एज सोप में प्रेजेंट होने वाले हार्श केमिकल्स हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं एंड लीड टू स्किन रैशेस। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू यूज अ जेंटल माइल्ड फेस वॉश, और प्रिफरेबली गो विथ अ हर्बल वन। मैं पर्सनली भी एक हर्बल फेस वॉश ही यूज करता हूँ फ्रॉम मामाअर्थ, जिसके अंदर हल्दी एंड सैफ्रॉन है, जो एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ मेरी स्किन को सॉफ्ट भी करता है। इन केस आपको मामाअर्थ का ये हर्बल फेस वॉश ट्राई करना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। हाँ, जब आप फेस वॉश यूज कर रहे होंगे तो अपनी स्किन के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, हल्के हाथ से काम करिएगा और सर्कुलर मोशन के अंदर फेस वॉश करना है। नाउ फेस वॉश को थोड़ी देर तक अपनी स्किन के ऊपर सेटल होने दीजिएगा, जिससे वो अंदर तक जाके आपकी स्किन की सारी इम्प्योरिटीज को टान के बाहर निकाल पाए। हमारी स्किन केयर रूटीन का सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइजेशन। स्किन को सॉफ्ट एंड बाउंसिंग रखने के लिए मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक बात का ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल मॉइस्चराइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनल मॉइस्चराइजेशन। देयरफॉर मेक श्योर टू ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 4 liters ऑफ वाटर पर डे, जिससे आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बना रहे और आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड रहे।
पर्सनली मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए रोज वाटर यानी गुलाब जल का यूज करता हूँ। नाउ देयर आर मेनी ब्रांड्स आउट देयर, आप किसी का भी रोज वाटर यूज कर सकते हो, सारे एक जैसे ही होते हैं। अब जान लो आपको रोज वाटर अप्लाई कब कब करना है। जब भी घर से कहीं बाहर जा रहे हो तो उससे 10 मिनट पहले अपने फेस के ऊपर हल्का सा रोज वाटर के छींटे मार के उसे रब कर लेने से आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, एज रोज वाटर बैड बैक्टीरिया को किल कर देता है और गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है जो हमारे फेस पे एक्ने नहीं होने देते। और रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर 2-3 ड्रॉप रोज वाटर लगा के लेने से रात भर भी हमारे स्किन के ऊपर से जो डिहाइड्रेशन होता है वो नहीं होगा। नाउ मैं आपके साथ एक सीक्रेट टिप शेयर करना चाहता हूँ, एज स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अगर आप नहाते समय नहाने की बाल्टी के अंदर एक ढक्कन गुलाब जल मिला के नहाओगे तो उससे आपकी होल बॉडी की जो स्किन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी और जितने भी स्किन के इन्फेक्शन होते हैं वो सारे होने से बच जाएंगे, एज रोज वाटर बैड बैक्टीरिया को मार देता है, ये हम सबको पता है। स्किन केयर रूटीन का हमारा थर्ड स्टेप आता है कॉम्बैटिंग स्ट्रेस। डिड यू नो With increased level of stress, our skin's aging process also speeds up, thus leading us to lose skin, causing wrinkles. And that's not all. With stress comes cortisol hormone, which is inversely related to human growth hormone and testosterone hormone, both of which are very crucial when it comes to our body's growth and development, as testosterone hormones increases the muscle density that we have, and HGH is responsible for the growth and length increase of our bones and muscle tendons. So, आप समझ ही सकते हैं कि with stress आता है cortisol hormone, जो हमारी body के growth के साथ साथ हमारी skin के लिए भी बहुत ज़्यादा harmful है. So, whenever we get stressed, the cortisol level in our bloodstream rises, thus adversely affecting our skin quality. Now, how do we maintain low stress levels in long term? In order to control your stress levels, हमें दो चीजें करनी है। First है meditation. With the help of meditation, हम लोग अपनी body के stress levels को 95% तक reduce कर सकते हैं। As जब हम लोग meditation करते हैं on a regular basis, तो हम लोग बहुत ease हो जाते हैं at performing multiple tasks, thus reducing the level of stress. And second is quality sleep. देखो क्या होता है ना, जब हम लोग quality sleep लेते हैं, means 7-8 hour of deep sleep लेते हैं, तो हमारा brain naturally cortisol levels कम कर देता है, hence reducing the stress levels we face. स्किन केयर रूटीन का हमारा फाइनल स्टेप आता है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। मेंटेनिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट इज वेरी एसेंशियल फॉर अ गुड फिजिकल कंडीशन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एज सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन एनफ नहीं होते हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हमें साथ ही साथ ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करे, जिससे हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो आए, न कि किसी क्रीम का आर्टिफिशियल ग्लो। So, to get a glowing skin, हमें basically जो junk food है, pizza, samosa, burger, ये सब खाने हैं, but limit में। In addition to that, हमें अपनी diet के अंदर healthy vegetables, especially raw green vegetables like पालक, खीरा, इस type की चीजें add करना बहुत जरूरी है। As green vegetables के अंदर antioxidants होते हैं, जो हमारे skin के अंदर से जितने भी toxins हैं, उनको pull out कर देते हैं और हमारे system से बाहर निकाल देते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे स्किन पे जितने भी एक्ने, पिंपल वगैरह वगैरह होते हैं, उन सब का मेन रीजन होता है स्किन के अंदर टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन। उसे कॉम्बैट करने में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत हेल्पफुल है। एंड द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स ऑल्सो नोन एज क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग द मेलानिन कॉन्टेंट ऑफ आवर स्किन। Now, what is melanin? Melanin is a coloring compound that brings color to our hair, skin, etc. On the other hand, chlorophyll promotes the growth of red blood cells, thus reducing and consuming excess melanin from your skin. In short, chlorophyll हमारी body में जितना ज़्यादा जाएगा, वो हमारी body के अंदर जो excess amount of blackness है, हमारे skin में जो darkness आ जाती है, उसे वो naturally कम करता है, as chlorophyll melanin को consume कर लेता है red blood cells produce करने के लिए। So I would suggest you to take a bowl of salad with your dinner and lunch. तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके स्किन के ऊपर स्किन केयर की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, वो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।